हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये करेंट अफेयर सीरीज का मेरा सातवां पार्ट है और इसमें हम देखेंगे कुल 100 क्वेश्चन को देखेंगे, टोटल 100 प्रश्नों को देखेंगे एक एक करके, जो कि 50-50 दो सेट को मिलाकर एक सेट तैयार किया गया है 100। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकिड्स के पश्चात यूरोपीय संघ में अब तक कुल कितने सदस्य देश बच्चे हैं? तो 27 बचे हैं। ब्रेकिड्स के पश्चात यूरोपीय संघ में अब तक कुल 27 देश बचे हैं ब्रेकिड्स के पश्चात। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर में देखेंगे, किस संस्थान द्वारा हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम यानी ईवीका, इसको बोलते हैं ईवीका, के दूसरे सत्र का शुभारंभ किया गया है? तो इसरो, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद तीसरा नंबर में देखेंगे, हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 51वां मिला है, लोकतंत्र सूचकांक में 51 मिला है भारत का स्थान। उसके बाद देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 21 दिन में रेपिस्ट को फांसी दिए जाने को लेकर के कानून बनाने हेतु एक प्रस्ताव मंजूर किया गया? तो आंध्र प्रदेश में 21 दिन के अंदर रेपिस्ट को फांसी दिए जाने के कानून को प्रस्ताव दिया गया है। पाँच नंबर में देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 2019 से बीच की पहली छमाही में कंज्यूमर प्राइम इंडेक्स आधारित महंगाई कितने प्रतिशत तक रही? तो 4.1% तक रही। इसके बाद हम देखेंगे सिक्स नंबर में कह रहा है कि भारतीय न्याय प्रणाली के संबंध में टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में अग्रणी राज्य है? तो महाराष्ट्र। इसके बाद देखेंगे, बालवा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो बालवा उपन्यास सब्बा करीम के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद आठ में कह रहा है कि नवंबर 2019 में किस राज्य में राष्ट्रीय जनजाति शिल्प मेला का आयोजन किया गया है? तो ओडिशा। इसके बाद नौ नंबर कह रहा है कि घर घर रोजगार हेतु किस राज्य ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया? तो पंजाब ने किया, घर घर रोजगार हेतु पंजाब सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो ऑरेंज फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया है। 11 नंबर में आएंगे, किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन निगेटिव होने की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने की है। इसके बाद 12 नंबर में, क्या हाल ही में आए रिपोर्ट के अनुसार जल दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो गुजरात, जल दक्षता में गुजरात शीर्ष स्थान पर। 13 नंबर में है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है। 14, इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? इंदिरा गृह ज्योति शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। 5 नंबर में देखेंगे, 15 नंबर में, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के लिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है? तो अकिरा योशिनी को नहीं किया गया है, और बाकी तीनों को अभिजीत बनर्जी को किया गया है, माइकल क्रेमर को किया गया है, एस्थस टफलो को किया गया है। चलिए 15 के बाद 16 में आते हैं, 16 में किस अभिनेता को वर्ष 2018 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के घोषणा की गई है और ये दे भी दी गई है। चलिए 16 के बाद आएंगे हम 17 में कह रहे हैं कि US ओपन 2019 के महिला एकल खिताब किसने जीता? तो बियांड्रा एंड्रियस्को ने लिखा। उसके बाद 18 नंबर में आएंगे, लोकपाल में कुल कितने न्यायिक सदस्य होते हैं? तो लोकपाल में कुल 4 न्यायिक सदस्य होते हैं। 19 में आएंगे, 19 में कह रहा है, भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रणब मुखर्जी भारत सरकार के किस मंत्री पद पर रहे हैं? तो गृह मंत्री प्रणब मुखर्जी भारत के गृह मंत्री के रूप में रह चुके हैं। इसके बाद आएंगे, नोट्स ऑफ ए ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कृष्णा त्रिलोक नोट्स ऑफ ए ड्रीम। उसके बाद आएंगे 21 नंबर में है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 व्यक्तिगत रूप से किसे दिया गया है? तो कुमार मुनमुन सिंह को दिया गया है। उसके बाद 22 नंबर में आएंगे, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो न्यायाधीशों की संख्या 33 हो गई है। 23 में देखेंगे, हाल ही में जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2017 के अनुसार किस राज्य में महिलाओं के प्रति आपराधिक मामले सर्वाधिक हैं? तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति सर्वाधिक मामला दर्ज किए गए हैं। 24 में आएंगे, किन दो देशों के मध्य
इनमैक्स INMEX इनमैक्स 2019 नौसैनिक अभ्यास संपन्न हुआ। तो भारत और म्यांमार के बीच इनमैक्स 2019 संपन्न हुआ। 25 नंबर में आते हैं, विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा बनाया गया एलिफेंट रिजर्व। उसके बाद आते हैं 26 नंबर में, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो मुंबई से लेकर वाराणसी के बीच चलती है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसे शुरुआत किए थे, सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस, याद रखें। 27 नंबर में आते हैं, 91वें ऑस्कर अवार्ड 2019 के तहत किस भारतीय लघु फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड मिला है? तो पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को मिला है। इसके बाद 27 के बाद 28 में आएंगे, 28 में कर रहेगी 28 नंबर में कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 से लेकर 26 अगस्त 2019 को तीन देशों की यात्रा की, इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो भूटान इसमें से शामिल नहीं है, UAE शामिल है, फ्रांस शामिल है, बहरीन शामिल है। 28 के बाद 29 में देखेंगे, 29 में विश्व के कितने देशों की अर्थव्यवस्था वर्तमान में ट्रिलियन डॉलर में है? तो 14 देशों की अर्थव्यवस्था ट्रिलियन में है, 14। चलिए 30 नंबर में, नासा द्वारा पंच मिशन की घोषणा हाल ही में की गई है, यह किसका अध्ययन करेगा? तो सूर्य का अध्ययन करेगा, नासा के द्वारा पंच जो है सूर्य का अध्ययन करेगा। इसके बाद 31 में आते हैं, हाल ही में किस क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है? तो नेशनल पीपुल्स पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, नेशनल पीपल्स पार्टी, याद रखें। 32, हाल ही में ग्रीन पीस के जारी रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जनकर्ता देश कौन सा है? तो भारत है, SO2 का सबसे ज़्यादा उत्सर्जनकर्ता देश ग्रीन पीस के रिपोर्ट के अनुसार भारत है। 33 में आते हैं, वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अधिरंजन चौधरी है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधिरंजन चौधरी है। 34 में आएंगे, सतत विकास लक्ष्य थीम विषय के साथ 2019 में कौन सा दिवस मनाया गया? सतत विकास लक्ष्य थीम जिसका था तो उसका सांख्यिकी दिवस को सतत विकास लक्ष्य थीम के द्वारा मनाया गया है। इसके 35 में देखेंगे, किस देश ने विश्व के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण किया? तो रूस ने किया, विश्व के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण किया, हो गया। 36 में आए, आईसीसी मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाले पहली महिला कौन बनी? तो जीएस लक्ष्मी पहली महिला रेफरी। चलिए 37 में आते हैं, श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के पूर्वी कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने के लिए किस देश के साथ त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया? था जापान और भारत। 37 के बाद 38 में आएंगे, 38 कह रहा है, पॉल्यूशन टैक्स लागू करने वाला विश्व का पहला शहर? तो लंदन है, पॉल्यूशन टैक्स लंदन के द्वारा लागू किया गया है। 39 में आते हैं, भारत के किस मेट्रो रेल ने हाल ही में पहली बार सौर ऊर्जा से मेट्रो चलाकर इतिहास रचा? तो दिल्ली मेट्रो रेल के द्वारा सौर ऊर्जा से चलाया गया और इतिहास रचा गया। 40 में देखेंगे, 40 में कह रहे हैं कि दिसंबर 2018 में प्रकाशित पुस्तक चेंजिंग इंडिया के लेखक मनमोहन सिंह हैं। चलिए 41 में आते हैं, इंद्रधनुष योजना में कितने नई बीमारियों को कवर हेतु विस्तार किया गया? था इंद्रधनुष योजना में सात नए बीमारियों को कवर किया गया। 42 में आएंगे, 42 में किस देश की मानछेदू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को भारत आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है? तो भूटान को, मानछेदुक हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को भारत आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है भूटान के। इसके बाद 43 में आएंगे, 43 में निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का पुरस्कार दिया गया? तो इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का पुरस्कार दिया गया। उसके बाद आते हैं, 44 में आते हैं, प्रधानमंत्री ने किस क्षेत्र के लिए वन नेशन वन कार्ड जारी किया है? तो वन नेशन वन कार्ड जन वितरण प्रणाली को दिया है। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे, 45 में आते हैं, प्रधानमंत्री ने किस जगह श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया है? तो वस्त्रल जगह पे किया है। इसके बाद आते हैं, 46 में आते हैं, 46 में भारतीय मूल की अमेरिकी मेघा नार्वेकर ने किस यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंसी एवं सेक्रेटरी नियुक्त हुई है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिलिनिया। 47 में आते हैं, कौन सा बाघ अभ्यारण्य भयानक
वनाग्री की चपेट के कारण खबरों में है। तो बांदीपुर अभयारण्य वनाग्री की चपेट में है, भयानक वनाग्री की चपेट में है। 48 में आएंगे, 48 में कह रहा है कि किस देश में पहली बार भारतीय संस्कृति संबंधन परिषद यानी ICCR का स्थापना 1 अप्रैल 2019 को मनाया गया, तो मेडागास्कर में मनाया गया। 49 में आते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्थानों की रैंकिंग में सर्वोच्च रैंकिंग किस स्थान को मिली है, तो IIT मद्रास को मिली है सर्वोच्च रैंकिंग। इसके बाद 50 में आते हैं, 50 में किस देश में मनीरा नामक विश्व का सबसे ऊँचा ट्रॉपिकल पेड़ की खोज की गई है, तो मलेशिया में की गई है। तो 50 के बाद आते हैं, फिर से दूसरे टेस्ट में आते हैं, इसमें भी 50 क्वेश्चन हम देखेंगे। आइए देखते हैं, एक नंबर में केरल राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। केरल राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड से एन राम को सम्मानित किया गया है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड कह रहा है कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों और रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए किस पोर्टल का लॉन्च किया है, तो संतुष्ट पोर्टल का लॉन्च किया है। इसके बाद तीसरा देखेंगे, तीसरा कह रहा है कि हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी को पूमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो सुनील छेत्री को पूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, सुनील छेत्री। इसके बाद 4 नंबर में आते हैं, वर्ष 2019 में नेशनल ट्रिबल क्राफ्ट मेला का आयोजन कहाँ किया गया है, तो भुवनेश्वर में किया गया है, ट्रिबल क्राफ्ट मेला का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। 5 नंबर में आएंगे, 5 हाल ही में चर्चा में रहा NPR पहली बार कब तैयार किया गया था, तो 2010 में तैयार किया गया था NPR, याद कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NPR 2010 में तैयार किया गया था। इसके बाद 6ठा क्वेश्चन देखेंगे, 6ठा क्वेश्चन है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट किस प्रजाति के बाल की तस्करी को रोकने के लिए चलाया जा रहा है, तो नेवला प्रजाति के तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट, याद रखें नेवला। 7 नंबर में आएंगे, 7 में कह रहा है कि पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ में पुस्तक किसने लिखी, तो आरपीएन सिंह ने लिखी। 8 नंबर में आएंगे, 8 नंबर में कह रहा है कि 1 फरवरी 2020 को आयोजित ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता, तो सोफिया केनिन के द्वारा जीता गया। इसके बाद 9 नंबर में आते हैं, रिलेंटलेस पुस्तक के लेखक यशवंत सिंह हैं। इसके बाद 9 के बाद 10 नंबर में हम आएंगे, 10 नंबर में कह रहा है, 10 में कह रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा कौन सा एकीकृत मोबाइल नंबर जारी किया गया, तो 139 139 नंबर जारी किया गया है। उसके बाद 11 नंबर में, समुद्र समृद्धि के इतिहास की याद में किस राज्य में बाली यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो ओडिशा में बाली यात्रा आयोजन का किया गया है। 12 नंबर में है, 35वें आसियान शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया, तो बैंकॉक, 35वें आसियान शिखर सम्मेलन बैंकॉक में किया गया है। 12 के बाद 13 में आएंगे, 13 में कह रहा है कि इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। चलिए 13 के बाद 14 नंबर में आते हैं, 14 में कह रहा है कि ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी नंबर सही नहीं है, इसमें क्या है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में बेन स्टोक को चुना गया है, ये बिल्कुल गलत है, और सही क्या है, तो इस विश्व कप का आयोजन इंग्लैंड तथा बेसल्स में किया गया है, एकदम सही है। विश्व कप में कुल 10 टीमों ने भाग लिया, एकदम सही है, इंग्लैंड ने यह खिताब पहली बार जीती थी, सही है। 14 के बाद 15 में आते हैं, 15 में कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय को गिनी का सर्वोच्च पुरस्कार नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है, तो रामनाथ कोविंद को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है। 16 में आएंगे, 16 में क्या है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति पद पर जनवरी 2019 में किसने शपथ ली, तो निकोलस मादुरो ने ली थी। 17 नंबर में आएंगे, 17 नंबर में कह रहा है पत्रकारिता के क्षेत्र में वर्ष 2019 के राष्ट्रीय पुरस्कारों में राजा राम मोहन राय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो गुलाब कोठारी को राजा राम मोहन राय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 17 के बाद हम 18 नंबर में देखेंगे, 18 नंबर कह रहा है कि टेन स्टडी इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स के लेखक कौन है, तो प्रोफेसर के एन पंडित हैं। 18 के बाद 19 में आएंगे, 19 में कह रहे हैं कि G7 का 46वां शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ होगा, तो अमेरिका में होगा, G7 का 46वां शिखर सम्मेलन अमेरिका में।
इसके बाद है 20 नंबर में है, 20 नंबर में कह रहा है कि मित्र शक्ति संयुक्त स्थल सेना, मित्र शक्ति संयुक्त स्थल सेना अभ्यास किन दो देशों के बीच किया जाता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति किया जाता है। इसके बाद 21 नंबर में आते हैं विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है विद्युत उत्पादन में, तीसरा स्थान है। उसके बाद देखेंगे 22 नंबर, देखेंगे 22 नंबर में कह रहे हैं बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान बौद्धिक संपदा में 40वां स्थान है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में 40वां स्थान। इसके बाद 23 नंबर में आते हैं, 23 नंबर में कह रहे हैं कि किस राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 को जल का वर्ष घोषित किया गया है, तो कर्नाटक को जल का वर्ष घोषित किया गया 2019 में कर्नाटक। सातवीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य से की गई है, तो त्रिपुरा से की गई है, सातवीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत त्रिपुरा से की गई है। चलिए 25 नंबर में आते हैं किस राज्य सरकार ने जुलाई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग पर वाटर टैक्सी की शुरुआत करने की घोषणा की, तो गोवा। 25 के बाद 26 में आएंगे हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अपने राजकीय पक्षी को बचाने के लिए ऐप जारी किया गया है, तो बिहार सरकार ने अपने राजकीय पक्षी को बचाने के लिए ऐप जारी किया है गौरैया। तो इसके बाद हम देखेंगे 27 कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने 9 अगस्त 2019 को वृक्षारोपण महाकुंभ का शुभारंभ किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण महाकुंभ का आयोजन किया। चलिए इसके बाद हम देखेंगे 28 में कह रहा है हाल ही में किस देश ने खुदाई के दौरान डायनासोर के जांघ की 2 मीटर लंबी हड्डी मिली है, तो फ्रांस में डायनासोर के जांघ की 2 मीटर लंबी हड्डी मिली है। इसके बाद 29 में देखेंगे, 29 में कह रहे हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार राज्य की किन दो नदियों को जोड़ने के लिए 4900 करोड़ रुपये का आवंटन किया, तो कोसी और मेची। 29 के बाद 30 में देखेंगे, 30 में कह रहा है 2019-20 के खरीफ के लिए धान की सामान्य किस्म का एमएसपी प्रति क्विंटल कितना है, तो 1815 रुपया। 30 के बाद 31 में आएंगे 13 फरवरी 2020 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्टेप विथ रिफ्यूजी अभियान की शुरुआत की, तो यूएनओ। 31 के बाद 32 में आएंगे, 32 कर रहे हैं वीजी सिद्धार्थ जिन्होंने हाल ही में आत्महत्या कर ली, कौन थे, तो कर्नाटक के एक उद्यमी थे वीजी सिद्धार्थ। 33 के बाद 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट फिल्म फीचर का पुरस्कार प्रदान किया गया, तो अंधाधुंध को प्रदान किया गया, बेस्ट फिल्म फीचर का अवार्ड अंधाधुंध को दिया गया। 33 के बाद 34 में आते हैं नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया है, तो उत्तरी मैसेडोनिया को बनाया गया नाटो का 3रा सदस्य। 35 में आते हैं किस राज्य सरकार के कैबिनेट में माँ बाप की सेवा नहीं करने वाले बच्चों को जेल भेजने का फैसला लिया गया है, तो बिहार को। 35 के बाद हम 36 में आएंगे, 36 में कह रहा है संयुक्त राष्ट्र की संस्था आईएलओ ने हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना में से एक किसे माना है, तो भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुई थी, आइसोमिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, उसे विश्व की औद्योगिक दुर्घटना में एक सबसे बड़ा दुर्घटना माना जाता है। चलिए 37 में आएंगे विश्व पर्यावरण दिवस 2019 किस विषय के साथ मनाया गया, तो वायु प्रदूषण। उसके बाद 38 में आएंगे लोकसभा चुनाव 2019 में चुनी गई देश की सबसे युवा सांसद कौन है, तो चंद्रानी मुर्मू है। चलिए 39 में आएंगे किस देश की राजधानी को वर्ष 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी यूनेस्को ने घोषित किया, था मलेशिया को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया। 40 में आएंगे किस देश के शोधकर्ताओं ने विश्व की सबसे लंबी नमक की गुफा की खोज की, तो इजराइल की शोधकर्ताओं ने किया नमक की गुफा की खोज। दृष्टिहीनों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए CSIR द्वारा किस नए उपकरण को विकसित किया गया है, तो दिव्य नयन के को विकसित किया गया है। उसके बाद विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में MC मैरीकॉम अब तक कुल कितने पदक जीत चुके हैं, तो 8 पदक जीत चुके हैं। 42 के बाद 43 में आएंगे भारत सरकार द्वारा TB समाप्त करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। 44 में आएंगे राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए पद्धति विकास करने के लिए किस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो अनुप सतपथी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके 45 में आएंगे, 45 में कह रहा है कि राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए गठित कमेटी ने कितनी राशि की राष्ट्रीय न्यूनतम
मजदूरी सुनिश्चित करने की सिफारिश की है। तो 375 रुपया दैनिक न्यूनतम मजदूरी। चलिए 46 में आएंगे। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 11 फरवरी 2019 को समुद्री प्रदूषण पहल की शुरुआत की? तो नार्वे के साथ मिलकर समुद्री प्रदूषण की पहल की शुरुआत की। इसके बाद 47 में आएंगे। इंडस्ट्री 4.0 का संबंध किससे है? तो ऑटोमेशन से है। 48 में आएंगे। निम्नलिखित में से किस जगह पेट्रोटेक 2019 आयोजित किया गया? तो नोएडा में किया गया है, पेट्रोटेक नोएडा में किया गया है। 49 में आते हैं। निम्नलिखित में से कहां पर हिंदी को न्यायालय में तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? तो आबू धाबी में हिंदी को न्यायालय में तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। 49 के बाद 50 आएंगे जो कि लास्ट है। भारत के किस जगह पर ग्लोबल वायरस नेटवर्क GVN, जिसको GVN बोलते हैं, ग्लोबल वायरस नेटवर्क से जुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी IAV की स्थापना की गई है? तो तिरुवनंतपुरम में की गई है। तो इस तरह से मेरा 50-50 करके 100 क्वेश्चन का सेट पूरा हुआ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप अपना प्रैक्टिस करते रहें, तैयारी करते रहें। और तत्काल करंट अफेयर है जो कि BPSC और बिहार दरोगा की जितनी भी और CGL की जितनी भी एग्जामिनेशन है सब में अच्छी तरह से पूछी जाएगी, इसलिए ध्यान में रखें। और मेरे इसके बाद 8वां वीडियो आएगा और उसको ध्यान से देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।